Thank you very much. You've been fantastic. Thank you. Thank you. अरे अच्छा वो देखो मैं तुम्हें यहाँ तक का तो शो हुआ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मैं 5 मिनट और लूँगा। मैं इनको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो मैं ना बहुत लैंडमार्क वाला आदमी हूँ, ठीक है। मैं जो भी करता हूँ ना वो लैंडमार्क हिस्टोरिकल काम हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बार कैनवस लाफ क्लब एक जगह थी जहाँ से मैंने कॉमेडी करने के लिए बहुत ट्राई किया, वो मुझे स्टेज पर टाइम देते नहीं थे। बाद में जब मेरे उस जगह से वीडियो आने शुरू हुए, 2-4 हिट हुए, उस जगह में आग लग गई। नोएडा में भी उनकी एक ब्रांच थी जहाँ एक बार मैंने एक दिन पहले डबल प्राइस पे 400 टिकट बेच डाले। मतलब वो प्राइस डबल कर देते थे डिमांड देख के, तो वो बिक गए एक दिन पहले, लोग ब्लैक में तैयार। उस शो के बाद अगले दिन उस जगह का मालिक गिरफ्तार हुआ और उस जगह पे सरकार ने ताला लगा दिया, वो जगह बंद हो गई। जैसे लोग बोलते हैं ना, वो पाउलो कोएलो की लाइन थी जो कि हिंदी फिल्म में भी आई थी, कि वो जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपसे मिलाने में लग जाती है, अगर किसी चीज़ को मैं शिद्दत से चाहूँ ना सारी कायनात अपनी गांड मरा के लग जाती है। ये काम नहीं होना चाहिए ना, हो गया ना, नो। एक जगह थी 3 वाइज मैन, एक पब था, वहाँ कॉमेडियन और ऑडियंस सेम लेवल पे, 100 लोग घचाघच भरे हुए, कोरोना से बहुत पहले की बात। मुझसे पहले 6 कॉमेडियन थे स्टेज पे गए, जो जाए उसको बोलने ना दें। सबसे आगे बैठे थे गुज्जर, जो ऑडिशन देने आए थे दिल्ली से, कान में से शोल्डर शुरू हो रहे उनके, ऐसे हाथ रखे एक एक के आगे, 12 बियर ऐसे फेटा रखी, वो बैठे, कोई भी बोला आ रहा तो अपना चालू रख, और कॉमेडियन कोई भी कुछ जो बोले फ्लॉप। मैंने 5 बियर पी ली स्टेज पे जाने से पहले कि मौत होने ही वाली है, इतना नशा करके जाओ कि महसूस ना हो बेइज्जती। खूब मैं स्टेज पे गया, मैंने एक जोक सुनाया, 2 सुनाया, उसने कुछ जवाब दिया, नशा इतना कर रखा था, बोतल फिर हाथ में थी, वो बोला आ रहा तो अपना चालू रख, मार तू अपने मुँह बंद कर बाढ़ चोत। ये मेरी वो हरकत थी जैसे वो दिखाते ना ट्रेन के आगे एक आदमी ऐसे करता है, सारी ऑडियंस मेरे साथ। उसके बाद मैंने 1 घंटा परफॉर्म करा, एक जोक याद नहीं मैंने क्या किया, मगर जो भी किया 1 घंटे बाद लोग कह रहे प्लीज डोंट गो, बहुत बढ़िया करा, अच्छा करा तुमने। उसके बाद कॉमेडियंस जो थे वहाँ भी और बाकी में भी खबर फैली, सबने ट्वीट किया, 3 wise men became 4 wise men, हंसा हंसा के छतें गिरा दी। 3 दिन बाद BMC ने बुलडोजर लेके उस जगह की छत गिरा दी कि इस जगह ने जो देखना था वो देख लिया है, इस जगह में अब कुछ बाकी नहीं है। वो जगह एक लैंडमार्क है, लोग पूछते हैं जूस बैंडर कैसे जाएं, एक सिग्नल आएगा, चौराहा आएगा, एक तरफ मस्जिद है, दूसरी तरफ एक खंडर है जिसके ऊपर नीले रंग के तरपाल हैं, वहां 3 wise men होता था, वहां से राइट लेना है। फिर मैंने एक पिक्चर में काम किया, लूडो, मुझे लगा 70 mm पे मेरा नाम आएगा जिंदगी में अमर, भाई एक बार तो आ गए बड़े पर्दे पे, नाम खत्म, अब मेरा नाम आएगा 70 mm स्क्रीन पे। आह, कभी कोई पिक्चर लगने वाली हो तो हॉल में किन शर्तों पे नहीं लगती, कि किसी एक का शहर में 2-3 सिनेमा हॉल में कोई घटना हो जाए, कहीं आगजनी हो जाए, कोई कर्फ्यू लग जाए, लेकिन मैं आने वाला था ना बड़े पर्दे पे, सारी दुनिया के, इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, रशिया, चाइना, सारे संसार, अंटार्कटिका तक के सिनेमा हॉल एक साथ बंद हो गए। ये टैलेंट बड़े पर्दे पे नहीं आना चाहिए। मैंने वजन कम किया उस टाइम पे, पहले एकदम से कम कर लिया, इससे भी कम कर लिया, एकदम कम करा वजन, तो भगवान को भी लगा इतनी ज़्यादा सेक्सीनेस बाजार में निकल गई, तहलका मच जाएगा, पुलिस ने लॉकडाउन लगाया और लठ मार मार के लोग घरों में भेजे, संदीप शर्मा देखोगे तुम, बाट, बाट।
आप घरों को बंद कर दो। मुझे मेरे काम पे बहुत मेरा विश्वास है, मैं अपना काम पे बहुत फोकस्ड आदमी हूँ, ध्यान देता हूँ। राजेश खन्ना के बारे में कहते हैं, वो अपने प्राइम पे थे, सफ़ेद गाड़ी लाल कर देती थी औरतें, लिपस्टिक सिंदूर लगा के उसकी गाड़ी से शादी कर ले, ऐसा चांद सा। आई एम ए वेरी फोकस्ड मैन, मैंने गाड़ी ही लाल खरीदी चाहिए मुझे, आई डोंट वॉन्ट डिस्ट्रैक्शन, आई जस्ट वॉन्ट ए वेरी क्लियर फोकस ऑन माई वर्क। मुझे ये पता है कि मुझ में क्या है, और मुझे ये पता है कि मेरे साथ तुम लोग हो। मैं मेरा काम करूँगा, और ये काम YouTube के थ्रू ही लोगों तक, इतने लोगों तक पहुँचा है, तो इसके आगे भी पहुँचेगा। मैं तो अभी और दो पिक्चर कर रहा हूँ, और वेब सीरीज कर रहा हूँ, और नेशनल टेलीविजन पे मेरा अपना खुद का शो आने वाला है, जिसे लिख भी मैं ही रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि तू कर लेगा, एंड आई एम doing it, I will do it bloody well, you will like it। और इस सब को सुन के तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर किसी की बर्थडे पार्टी हो, मुंडन हो, किसी की नई कंपनी का उद्घाटन हो, और वो स्टैंड अप कॉमेडियन को बुलाना चाहते हो, और वो आदमी आपको पसंद ना हो, तो उसके यहाँ आप मुझे भेजो। अब यहाँ परफॉर्म करने के बाद ऐसा भी है मुझे, क्या भाई, मेरे परफॉर्म करने के बाद भगवान करे ये छत सलामत रहे, कोई और आए कि ऊपर छत न गिर जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।